नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ में टर्टल के बारे में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि समस्या ऐसी है, टर्टल जब खरीद के लेके आते हैं तो वो करीबन 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास होता है। जब जैसा बड़ा हो जाता है तो उनमें से पहली बात तो ये होता है कि उनको हम खाना खिलाते हैं, खाते तो जितना चाहिए उतना जोर जोर से खा लेते हो पेट भर के। तो इसमें एक प्रॉब्लम्स मुझे पता चला, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि उनको थोड़ा सा तभी गर्मी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सूरज के किरण या फिर कोई भी बल्ब रोशनी होना ज़रूरी है। मेन प्रॉब्लम तो इसी में आता है और इसके वजह से ये जो आप देख रहे हैं वो हरकत, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने वाला हूँ। ये ऐसा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, ये जो स्टैंड दिख रहा है ना, ये लाने का कारण ये था कि वो ऊपर जाके बैठे और उसमें जो हमारा जो बल्ब दिया रहता है, जैसा टॉप में एक बल्ब रहता है, उस बल्ब में से उसको गर्मी मिलती है। जब वो ऊपर बैठता है वो उस गर्मी में उसका बदन को हीट होने से उसमें डाइजेस्टिंग में हेल्प मिलता है उनको। तो अभी ये जो लेके आया था, जो स्टैंड है वो अमेजोन में से मंगाया था। जब वो छोटा था तब वो जाता था, फिर भी वो ऐसे ही टूट जाता था, जोर नहीं लगा सकता था, बैठ नहीं सकता था बराबर ढंग से। अभी देखिए क्या कर रहे हो। तो इसके लिए हमने कुछ नया ऐसा सोल्यूशन बनाया है, क्योंकि इससे सही सलामत नीचे का जो पॉट में जो नीचे का जो टैंक होता है वो पूरा का पूरा खाली रहे। बहुत सारे लोग तो ऐसा कोई टब में रखते हैं, कोई बैकेट में रखते हैं, और एक कोई ऐसा टर्टल का एक पॉट भी मिलता है उसमें रखता है, मगर उससे वो बाहर आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये फिश टैंक में रहेगा तो उसको पानी में तैरने के लिए भी आनंद मिलता है और हमें भी देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो टैंक में रखने के कारण इसी की वजह से है, मगर टैंक में बल्ब का रोशनी उसको गिरना चाहिए। तो अभी मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसको जो लेके आया तो ऊपर बैठने का जो स्टैंड है उसमें वो ऐसे ही फंस जाता है और परेशान वो भी हो जाता है, हमें भी परेशान हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक ऐसा एक सुविधा बनाया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो स्टैंड था पहले वाला फिश टैंक के अंदर वो ये था, ऐसा था, वो ऐसा रहता है। एक्चुअली ये स्टिक होता है नीचे और ये पार्ट ऊपर आ जाता है। तो थोड़े दिन तक ये सही चलता है, बाद में ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर वज़न बैठने से वो पानी के अंदर चला जाता था, तो इसके लिए वो नहीं बैठ रहा है। फिर कभी कभी हम लोग ने ऐसा पत्थर लगा के रखते हैं नीचे, ताकि नीचे नहीं जाए बोल के। तो अभी मैंने वो सोल्यूशन किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक ऐसा एक स्टैंड बनाया, नीचे भी नहीं रहेगा और ये कम्प्लीटली ऊपर रहेगा, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, वेल्डर को डिज़ाइन बना के लेके गया था और वेल्डिंग वाले से ये 8 इंच का और ये लंबाई 4.5 इंच का, और ये जो ऐसा दो पार्ट बना दिया और जो ऊपर से एक पत्रा को वेल्डिंग करवा लिया ऐसे, और ये एक स्टेयरकेस है ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ के यहाँ पर बैठ जाएगा, जैसे कि ऐसे रखने में भी आसान है। ये देखिए ऐसा वो बैठ गया, यानी कि नीचे का जो व्यू है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया। जैसे देखिए ये जो रखा है मैंने अभी, उसको चाहो तो हम दोनों का दोनों एंगल में रख सकते हैं और पानी का लेवल भी बढ़ जाता है, चाहे हो तो इस तरीके से भी रख सकते हो। इसका साइज़ खाली इतना है कि हमें इतना पानी एम्प्टी रखना है ताकि वो ऊपर आके बैठेंगे ना, यहाँ पर आके वो बैठेगा ऊपर आके, वो हिसाब से इतना पानी को एम्प्टी रखना है और जब ये अंदर जाके ऐसा बैठ जाएगा। साइज़ खाली आपको, आपका टैंक क्या साइज़ का है
वो साइज में आपको उसका मेजरमेंट लेकर आपको उसको बताना है, और इसका जो साइज़ है ये टैंक का अंदर का जो लेंथ है कितना डीप है कितना लंबा है ये आपको कट्टो कट उसमें मार्किंग करके लेने का है, ताकि और प्लस वहाँ से कितना लंबा, यानी कि ये अगर समझो 4.5, मैंने जो ये 4.5 का इसका हिसाब से 4.5 का साइज़ ले लिया, तो ये 4.5 का साइज़ बन गया, ये वाला 4.5 का है, तो ये चारों को चारों 4.5, यानी कि ये 8.5 इंच का ही है, ये 4.5 इंच का है, और इसका जो ग्रिप है, ये जो स्टेयरकेस जो बना है मैंने, ये जो साइज़ है 6 इंच का है, 6 इंच में मैंने 2 पट्टी मारने के लिए कह दिया, खाली इतना है कि इसका जो पतला जो लगाया है वो मैंने नीचे से लगा दिया, ताकि ये पट्टी में ग्रिप मिल जाएगा उसको चढ़ने के लिए, ताकि उसका जो नेल्स है वो ऐसा स्लिप नहीं होना चाहिए बोल के। फिर मैंने इसको रेडेक्सो कलर मार के फिर ऑयल पेंट मैंने मार दिया, ऑयल पेंट मार के करीबन कम से कम 2-3 दिन तक उसको पानी में डुबो के रख दिया, ताकि ऑयल पेंट का जो भी केमिकल है वो निकल जाए, ताकि कहीं टर्टल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हिसाब से मैंने इसको ऐसा बनाया है, राइट है। और हमें नीचे का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, जैसा आपने ये देखा था पहला वाला देखिए इतना हाइट में था पहला वाला, अभी यानी कि पानी का ज़्यादा भी हमें साइज ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखने के लिए इसमें जगह मिल गया, और ताकि साइज़ बढ़ते जा रहा है टर्टल का, तो हमें भी इसका भी ग्रिप बढ़ते जाना चाहिए। ये अभी आसान हो गया, ये ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, नीचे का प्लेस है पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, ये स्टोन भी निकल जाएगा, तो ये आराम से घूम सके। देखिए दोस्तों, इसका जो साइज़ है ये 4.5 इंच का, यानी कि मैंने पानी कितना होना चाहिए और एम्प्टी प्लेस कितना रहना चाहिए वो हिसाब से ये जो बनाया हुआ है, यानी कि ये जो साइज़ है 4.5 इंच का है गैप। अभी मेरा टैंक के हिसाब से मैंने बनाया है, आपका टैंक कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि इसका साइज़ तो बढ़ने वाला है, ये जैसा अभी लाया था तो जब 1.5 इंच का था, सबको मालूम है 1.5-2 इंच का ही मिलता है, अभी ये करीबन 10-12 महीने का हो गए, तो ताकि इसको हमारा जो टॉप में जो बल्ब देता है वो इसके लिए यहाँ पर आके जब बैठेगा तो हीट उसको मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो कवच है इसमें हीट गिरेगा तो ही उसको जो भी कुछ खाता है वो डाइजेस्टिंग होने में हेल्प मिलता है उसको, राइट है। तो हमें ये बना के ऐसा प्लेट अगर आप बनाएंगे तो उसको आराम से आके वो बैठ सकते हैं, ना ही उसको कोई दिक्कत होएगा चढ़ने में, टूटने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होएगा, एकदम फिक्स सेल्ड हो जाता है, फिर हम चाहे तो उसको हर टाइम आगे पीछे ऐसा अलग अलग स्टाइल में भी कर सकते हैं, चाहे इस तरफ रख सकते हैं, चाहे उस तरफ रख सकते हैं, जिधर चाहो उधर आप इसको मोड़ के रख सकते हैं, राइट है। देखिए, और इसको ज़्यादा कुछ नुकसान मतलब तकलीफ़ नहीं होएगा, थोड़ा बहुत वो जब चढ़ता है तो देखो ऐसा स्क्रैचेस गिरने में चांसेस है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते में तो एक बार तो निकाल के उसको चेक कर लेने का, जैसा पानी बदली कर देता भी इसको भी एक बार चेक कर लेने का, बाकी किधर भी उसका स्क्रैचेस किधर भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये जो ग्रिप दिया है ना, ये जो ग्रिप है, ये देखिए ये जो ग्रिप है ना, ये उसको पकड़ने में इजी गिरता है, चढ़ने में भी और रखने में भी आसान हो जाता है। ऐसा कभी कोई स्टोन का या किसी का भी ज़रूरत नहीं गिरेगा, आसानी से ये बैठ जाएगा और ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा आपका। और इसका जो ग्लास है किसका 10 mm है, किसका 6 mm का है, तो क्योंकि इधर जो कट होकर वैसा मोड़ करके रखा है ना लॉक करने के लिए, ये भी आप चेक कर लीजिए ज़रा, क्योंकि आपका ग्लास कितना mm का है, ये 6 mm का है, तो वो हिसाब से मैंने उसको मोड़ने के लिए कहा था, तो वैसे ही वो मोड़ के बन जाएगा। Oh,
ओके दोस्तों, मेरा जो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, ये मेरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक सबसे पहला आप तक मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।